Good morning, student. I am your biology teacher, Mr. Muhammad Saqib, and I will tell you about biology. Means I am teaching you first chapter, the living world. और उसमें कुछ पार्ट अभी बचे हुए थे. Then we will study about those parts. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? The living world chapter. Let me write the name of this chapter. The living तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पहले सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद हमने थोड़ा से आगे जाके इसके कुछ डिफिनेशंस को देखा. और फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, इन टॉपिक्स पे भी हमने डिस्कशन किया. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पार्ट इसमें देखा था वो आपका था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उसमें हमने बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की और क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं और किस तरह से के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो हमने उसके बारे में यहाँ पे स्टडी की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इसका कि सबसे पहला जिसमें हमने बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो डिफरेंट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप हमने उनको देखा. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन जब हमने कंप्लीट किया तो उसके बाद भी दो टॉपिक बचा हुआ था, एक कॉन्शियसनेस था और एक मेटाबॉलिज्म. तो हमने मेटाबॉलिज्म को डिटेल में देखा कि कैसे मेटाबॉलिज्म जो सारे रिएक्शंस होते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो वो रिएक्शन किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, किस तरह से उनको एक फंक्शनल फॉर्म में मेंटेन रखता है, उनको एक एक्टिव फॉर्म में मेंटेन रखता है, उसके बारे में हमने बात की. चलो अब उसके बाद हमने कॉन्शियसनेस के बारे में देखा क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है. देखो जैसे कि हमने बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था. अब आप 11th में हैं, आप उसके बारे में थोड़ा से डेप्थ में जाके पढ़ेंगे. बट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर अभी लास्ट में है. ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है जो लास्ट में आपका दिया हुआ है, मे बी चैप्टर नंबर 18 ऑनवर्ड्स जो भी है उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया गया कि कॉन्शियसनेस भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे समझा. और अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो वो बता दीजिए. उसके अलावा भी हमने बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, एवोल्यूशन, एडॉप्टेशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन की थी. कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेंगी और कुछ चीज़ें इस साल हम पढ़ेंगे. ओके, तो अब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. अब देखो ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा हुआ थोड़ा बहुत, तो उसमें बड़ा अच्छे से दिया हुआ है, तो उसे अच्छे से पढ़े. सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लें. एनसीईआरटी में कहीं से भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे पूछें, और आई होप कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस लेक्चर को देखने के बाद. तो आप जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी क्लास 11th में गए हैं, उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी. और जो बच्चे जिनका माइंड सेटअप हो चुका है नीट एंड एम्स के लिए, तो वो आई होप कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर. तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. चलो तो हमने क्या बताया डाइवर्सिटी के बारे में. तो डाइवर्सिटी के बारे में जो है कि आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं. हम चारों तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट, एक ही टाइप के प्लांट आपको सारे तरफ दिख रहे हैं, एक ही टाइप के सिर्फ इंसान ही इंसान दिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है. हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, हमें एनिमल दिखते हैं, हमें प्लांट्स दिखते हैं, हमें हमें इंसेक्ट दिखते हैं, हमें बर्ड्स दिखते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. इंसेक्ट आपने देखा होगा, फिशेज हैं, तो कौन कौन से एनिमल हैं, आपने उन सारे एनिमल को देखा, प्लांट में वैरायटी को देखा, तो एक ग्रेट वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती है. अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाएं, जो बहुत ही घने जंगल में जाएं,
तो वहां पे यही वैरायटी और ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। और वहां पे हर एक आप ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, वहां पे लायन को देख रहे हैं, वहां पे वुल्फ को देख रहे हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स को देख रहे हैं जिनसे पता नहीं कितनी दवाइयां बनती हैं, उनको आप देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद या फिर एक एक पार्टिकुलर हम अगर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जा रही है और जिनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं है तो हम उनको स्पीसीज कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं है जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो उनको हम एक स्पीसीज कहते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम एक स्पीसीज कहते हैं। तो अगर देखा जाए अर्थ पे 1.7 to 1.8 million species already has been identified. अब तक 1.7 to 1.8 million species, plant and animal दोनों को मिला के वहां पे लिखा हुआ है, तो इतनी ज्यादा species को identify किया जा चुका है 1.7 to 1.8 million species अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी है। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। वी हैव जस्ट आइडेंटिफाई अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दोज स्पीसीज, बट अभी इतनी ज्यादा स्पीसीज अननोन है कि अगर हम उसकी डिस्कवरी करें तो शायद हमारी पूरी लाइफ निकल जाए, बट उसकी डिस्कवरी अभी कंप्लीट नहीं होने वाली। बहुत सारे किसको कौन जानता था इस कोरोना नाम के वायरस को, अचानक आया, इसने सारी चीजें तबाह कर दी, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था पहले। एक अननोन वायरस आने के बाद सब कुछ उसने चेंज करके रख दिया और सारे पूरी दुनिया को उसने स्टॉप कर दिया की जगह पे। खैर, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी तक आइडेंटिफाई है, बाकी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आप देखेंगे कभी कभी डिस्कवरी के चैनल पे, कभी कभी इस तरह से चैनल जो आते हैं उस पे दिखाता है, वो समंदर के अंदर का दिखाते हैं, वो जंगलों का दिखाते हैं, वो पहाड़ों पे दिखाते हैं, जहाँ पे लोग जनरली नहीं जाते हैं। क्योंकि हम तो इस जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो हम उनको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं, बट ऐसे प्लेसेस ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है या फिर जहाँ पे कोई रहता नहीं, पहले ये समझते हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है वहाँ पे आप जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम समंदर में चले गए, समंदर के नीचे वो जाके पानी के अंदर जाके हम देखते हैं वो क्या ऑक्सीजन लगा के कैसे करके वो जाते हैं नीचे की तरफ, और वहाँ पे जाके वो जब देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ, डिफरेंट टाइप के स्मॉल प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, चमकती हुई एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या जो पहली बार देखा जाता है तो हम लोग अमेज्ड हो जाते हैं कि यार ये बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, हमने तो उनका ही उन्हें ही आइडेंटिफाई करने में लगे हैं जिनको हम जानते हैं, बट वो जो एरियाज है जहाँ पे अभी बहुत सारे स्पीसीज बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जा रही है वहाँ तो हम गए ही नहीं। तो वहाँ पे जो जंगलों में जो डेंस एरियाज में जाते हैं लोग, और यही एरिया जो होते हैं ना जहाँ पे लोग जाते हैं वो इनको आइडेंटिफाई करने के, दोज एरियाज आर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है वहाँ पे जाके नए नए ऑर्गेनिज्म को वो ढूंढने का काम करते हैं। ओके, अब तो ये समझ में आ गया क्या होता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा इसमें पार्ट है वो बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है जो दिया हुआ है आपकी बुक में, वो है बायो डाइवर्सिटी। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जा रहे हैं, जो वेरियस टाइप का के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जा रहे हैं, इन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को समझें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं जहाँ पे जो अर्थ पे पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एनिमल एंड प्लांट्स, डिफरेंट जो एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं इनकी डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और हम इसी की स्टडी करेंगे। और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखिए हम सारे लोग जो सभी ह्यूमन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सभी जानते हैं अर्थ पे लोगों के को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कौन सा एनिमल का एग्जिस्टेंस हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, को रिलेटेड है। हो सकता है अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो हम भी एक्सटिंक्ट हो जाए, ये एक चेन बनी हुई है सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, सारे प्लांट्स और एनिमल जो हैं उनके बीच में एक चेन बनी, एक इकोसिस्टम है, और ये इकोसिस्टम अगर
इम्बेलेंस हो गया तो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें उनका प्रोटेक्शन करना है। बहुत सारे NGOs उस पर काम करते हैं, कोई टाइगर प्रोटेक्ट द टाइगर, कोई सेव द फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनको कंजर्व करने की कोशिश की जा करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हमें अभी इसमें सीखने को मिलेंगे। अब देखें, जैसे कि मैंने बताया कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ पे है, और अर्थ पे पाए जाने वाले लिविंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द जो अर्थ पे पाए जाने वाले वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम इनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने इसके बारे में बताया कि बायोडाइवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इकोसिस्टम बना हुआ है, एक चेन, एक कड़ी, जहाँ पे इसमें से एक भी आपने जहाँ से भी चेन को ब्रेक कर दिया, सारी चेन, सारे उसमें लगे हुए जो पल हैं वो सारे निकल के बाहर आ जाएंगे, यानी कि सारी के सारी चेन वो टूट जाएगी। तो हमें उस चेन को मेंटेन रखना है और हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में। इतनी ज़्यादा स्पीसीज है, पॉपुलेशन तो और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन। हर स्पीसीज की मिलियन पॉपुलेशन है, मिलियन बिलियन पॉपुलेशन है। ह्यूमन की तो खुद पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन के आसपास इस अर्थ पे है। तो इतनी ज़्यादा हर स्पीसीज की एक पॉपुलेशन है, तो इन सारे स्पीसीज की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। बात समझ में आ रही है, इनकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। आपसे कोई कह दे कि एक आपका स्कूल है जहाँ पे मोर देन 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट रैंडमली आपके प्रेयर ग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में खड़े हैं, और आप के टीचरों से कह दिया गया, 10 टीचरों से कह दिया गया कि जाके आप तुरंत उनके बैग से जाके, या फिर आप उनसे पता करें कि कौन कौन से कौन स्टूडेंट के पास कौन कौन सी बुक है, ये आपको रिकॉर्ड बना के लाना है। अब ये उन टीचरों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, वो दिन भर वो ऐसा वो इस काम को करेंगे, नोट करते रह जाएंगे, बट वो 2000 स्टूडेंट का वो आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट, उनकी बुक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन अगर हम उनको क्लास वाइज खड़ा कर दें, हम कहें कि ये स्टूडेंट 9th के स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होंगे, 10th के यहाँ पे खड़े होंगे, 11th के यहाँ पे खड़े होंगे, 12th के यहाँ पे खड़े होंगे, 6, 7, 8 और बाकी फर्दर स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट अलग जहाँ पे खड़े हो जाए, एक तरफ खड़े हो जाए, हम एक स्टूडेंट से जाएंगे, उसका नाम पूछेंगे, वहाँ उसकी बुक पूछेंगे, इसका मतलब उस पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बुक तो सेम होगी, एक क्लास की बुक। ये बायो जैसे NCERT 10th में जो हमारी 12th में NCERT चलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी चीज़ें चलती हैं इंग्लिश की, वो सारी की सारी बुक क्या है, सेम। हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि कौन सी बुक है तुम्हारे पास, हाँ ये है, चलो नोट कर लेते हैं, देर आर मोर देन 150 स्टूडेंट इन दैट क्लास। लेकिन हमें सबकी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, सबसे जाके ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी बुक है, आपके पास कौन सी बुक है, हमें सिर्फ एक से पूछना है और अब बाकी हम समझ गए कि ये क्लास 10th का है, बाकी सारे स्टूडेंट क्लास 12th के, इसका मतलब सबके पास सेम बुक होगी। तो ये चीज़ बहुत ही हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने बायोडाइवर्सिटी को, जो इतना ज़्यादा वेरिएशन अर्थ पे है, जिनको हम समझना चाहते हैं कि यार कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, उनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है या वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, उनके पास स्पाइनल कार्ड होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो ये तो सारे लोगों के अंदर ये एक जैसा इंटरेस्ट तो नहीं होता, बट एक बड़ा हिस्सा है जो इन सारी चीज़ों को जानना चाहता है, और वो बड़ा हिस्सा हम है,
जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है जिसे गॉड ने क्रिएट किया है बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, और हम उसको रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम गॉड की बनाई हुई चीज़, उस चीज़ को हम उस सीक्रेट को हम रिवील कर रहे हैं जो सबसे टफ है। हम उन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब जहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम उनकी स्टडी कैसे करेंगे। हम एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हम उनको कैसे समझेंगे। इतनी ज़्यादा वेरिएशन बहुत ही मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। हमें एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं करनी है, हम यहाँ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज की स्टडी करनी है, जिसकी अगर एक दिन में हम एक स्पीसीज की स्टडी करेंगे तो भी आवर लाइफ इज नॉट सफिशियंट टू स्टडी ऑल दोस स्पीसीज। तो हर स्पीसीज की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम उनकी स्टडी कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट ने आगे जाके उससे बहुत काम किया कि कैसे स्टडी करेंगे। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाया, कुछ प्रिंसिपल बनाया कि आपको इस तरीके से स्टडी करना है, और वो इस तरह से है कि आप सबसे पहले देखेंगे उस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एक बड़ा ही एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कई सारी चीज़ें आती है, हम अभी इसको समझा देते हैं। तो सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इन सारे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारे ऑर्गेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जो फीचर्स हैं उन पे उनको समझने की ओके। तो सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक में को हम अगर देखें, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम कई चीज़ों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं इसमें क्या आता है। जैसे कि चलो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एक टिपिकल डिफिनेशन क्या होगी, हम इसको समझ लेते हैं। तो ये सिस्टमैटिक इज ए साइंटिफिक स्टडी, this is the scientific study to recognize describe name and placing of organism into their groups on the basis of their unique features। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके यूनिक फीचर के बेस पे उनको डिस्क्राइब करना, उनको रिकग्नाइज करना, उनको नेम देना, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार फिर से हम इसको समझ लें कि सिस्टमैटिक क्या है। तो सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ साइंस, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी वेयर वी डिस्क्राइब, वी रिकग्नाइज एंड वी गिव द नेम ऑफ दोज पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो वी प्लेस दोज पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इनटू अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फीचर्स। तो हम उनके स्पेसिफिक एंड यूनिक फीचर के बेस पे उनको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगहों पे आइडेंटिफाई करना, उसको प्लेस करना, ये सारा काम करते हैं। तो इसमें आता क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आता है, फर्स्ट हम सिस्टमेटिक को यहाँ पे लिख दिया जाता है, सिस्टमेटिक को चलो लिख देते हैं सिस्टमेटिक। तो यहीं पे हम इसको अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा इसका आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन, थर्ड
नॉर्मन फ्लेचर, नंबर फोर टैक्सोनॉमी। तो यहां तक मैंने बता दिया, अगर कहीं पे डिफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है आप डिफिनेशन को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद इसे सिस्टमेटिक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी। समझ में आ रहा है? तो ये क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी ये याद रखें, ये अलग अलग है, सिस्टमेटिक अलग है। कभी कभी सिस्टमेटिक, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी सभी को एक ही ग्रुप में या फिर एज ए सिनोनिम वर्ड यूज किया था, बट एक्चुअली दोज आर नॉट सिनोनिम्स, वो अलग अलग है, सभी अलग अलग है, आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपको कोई नया, आपने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, पहली बार देखा उस ऑर्गेनिज्म को, आप सबसे पहले आप उस ऑर्गेनिज्म का क्या करने वाले हैं, उस ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करेंगे उनके फीचर के बेस पे, ऑफकोर्स उनके फीचर के बेस पे। आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनके फीचर्स को देखेंगे, फीचर्स का मतलब हम उनके लिए जो आपके टैक्सोनॉमिक एड्स जो होते हैं, टैक्सोनॉमिक जो एड होते हैं उसमें होते हैं की, उसमें होते हैं की, कीज, जैसे मेमोरी ग्लैंड की है, मेमोरी ग्लैंड, दोज ऑर्गेनिज्म हैव मेमोरी ग्लैंड और नॉट, whether those organism has joint legs or not, तो उनके पास joint legs हैं या नहीं है, उनके पास memory glands हैं या नहीं है, उनके पास wings हैं या नहीं है, उनकी जो उनके पास exoskeleton है या नहीं। तो exoskeleton, memory gland, joint legs and नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, हम उनके बेस पे ये इनको कीज कहा जाता है, इनको हम की कहते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इसको प्लेस कहाँ पे करें। जैसे अगर उनके पास वो जॉइंट लेग है, उनके पास जॉइंट लेग्स है, अगर जॉइंट लेग्स है हम उनको किस में रख सकते हैं, आर्थ्रोपोडा में रख सकते हैं, हम उनको आर्थ्रोपोडा में प्लेस कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को आर्थ्रोपोडा में तभी प्लेस कर सकते हैं जब उनके पास जॉइंट लेग्स होगा। तो उसे आइडेंटिफाई कैसे पता चलेगा जॉइंट लेग, ये कैरेक्टर होना चाहिए, सबसे पहले आप देखेंगे उनके पास जॉइंट लेग है कि नहीं है, आर्थ्रोपोडा हमने रख दिया। तो ये चीज़ है, ये तरीका होता है उनको आइडेंटिफाई करने का। खैर, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन होगा जिसमें हम उनको एक क्लास में डिवाइड करेंगे और ले जाके उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम उनको प्लेस कर देंगे। नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर को जानते हैं, ये जैसे आपका एक नेमिंग का सिस्टम होता है कि किसी भी जगह पे चले गए, जैसे हम अगर इंडिया में हैं तो हम कैट को बिल्ली बोलते हैं, गाँव में कुछ और भी बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखें तो वहाँ पे आप इंग्लिश में उसको कैट कहते हैं, हिंदी में बिल्ली कहते हैं, और रशियन में कोशका कहते हैं, और स्पेनिश में उसको गतो कहते हैं। तो ये उनके अलग अलग नेम हैं, अलग अलग उनके लोकल नेम चेंज हो जाते हैं डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे हैं कुछ और ही बोल रहे हैं, रशिया में गए तो कोशका बोल दिया, हमें नहीं पता चलेगा, हम वहाँ पर जाके कैट 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 करेंगे, उनको नहीं समझ में आती इंग्लिश, फ्रिक्वेंटली रशियन बोलते हैं, तो फिर वो कैसे समझेंगे कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप जब कहेंगे कोशका तो समझ जाएंगे, तो लेकिन या फिर आप जाके दिखाएंगे कि देखिए ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा ये कोशका, तो आप समझ जाएगा अच्छा ये इनको कोशका कहते हैं यहाँ पे। आप स्पेन में चले गए, आप वहाँ पे चले गए, मेक्सिको में चले गए, वहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश वहाँ पे बोलते हैं, तो उनको समझने में थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाएगी उस चीज़ को, वहाँ तो गतो कहते हैं, GATO गतो, तो उनके लिए थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अच्छा, अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद हम जैसे ये वो वाला तरीका नहीं है नॉमनक्लेचर का, जब हम लोग छोटे थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, क्योंकि मेरे घर पे टीवी नहीं थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता था मूवी देखने के लिए या फिर क्रिकेट, सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट देखने के लिए आए। तो उस टाइम मे बी मैं क्लास 6, 7 या 8 में था, तो एक एड आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था उस पर आपके टीवी पे, एक कपल थे, उनका एक शादी होती है, उनका एक बेटा होता है, तो अपने बहुत
बड़े फॉलोअर थे किसी बाबा के, तो वहाँ पे जाते हैं, वो उस फॉलोअर से कहते हैं, वो सॉरी उस बाबा से कहते हैं नाम के लिए, कहते हैं कि इसका नाम क्या होगा। अचानक उसको खांसी आ जाती है, अब उसका नाम वही हो जाता है। उसका उसके पास जो एक चेला था उसने कहा बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। उसके बाद जितने लोग खांसते उसको लगता है कि भाई, तो वो वाला नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम नहीं। हम इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे नोमेनक्लेचर होता है, इनका वो साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है। अब उसके बाद टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन ही है, बट यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स अप्लाई होंगे, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक इतना आप समझ लें, इसके बारे में कहीं से कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बताएं, और हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।